श्री गौड़ी वेदांत समिति के पूर्वाचार्य नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंसष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का 17वां तिरुभाव तिथि है, आज उनका प्रकट तिथि है। ऐसे हमारा मंगल किसमें है? परमाराध्य गुरुपाद पद्म हमेशा इसके ऊपर जोर दे कर के बोलते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा अपने वाणी में, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण नहीं है तो वहां पर मंगल बोल के कुछ है ही नहीं अपने जीवन से। इसीलिए ऐसा नहीं है कि दुनिया में व्यक्ति साधन करता नहीं, भजन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लोग भजन करते हैं लेकिन उनके भजन में गुरुदेव नहीं है, वैष्णव नहीं है। इसीलिए भगवान का कृपा उनके जीवन में उपलब्धि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भजन करते हैं और तो कोई करता ही नहीं, करते हैं। कई लोग बेचारे भावुक होके भी करते हैं लेकिन उनका सिद्धि इसीलिए होता नहीं क्योंकि गुरुदेव वहाँ नहीं है, वैष्णव वहाँ नहीं। ऐसा भगवत कृपा को प्राप्त करना है, गुरु तो चाहिए ही चाहिए, वैष्णव भी चाहिए। वहाँ पर शास्त्र में आता है जो भगवान को नहीं मानता है ठीक है वो नास्तिक है, लेकिन भगवान को मान के जो भक्त को नहीं मानता है वो एक तरह से कपट जैसा है, वो ठीक नहीं। तो ये दुनिया का जो व्यक्ति भगवान को तो मानते लेकिन गुरु वैष्णव को नहीं मानते, इसीलिए उनका परमार्थिक उन्नति होते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तविक मंगल किसमें है? बोलते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। ऐसा तीनों का स्मरण करने से क्या होगा? बोलते विघ्न का नाश होगा। विघ्न क्या होता है? बोलते जितना भी हमारे जीवन में अनर्थ है यही विघ्न है। हम अपने स्वरूप से विस्मृत होकर इस संसार को अपना घर समझकर जो पड़े हुए हैं यही सबसे बड़ा अनर्थ है। अपने स्वरूप से विस्मृति, वो कैसे जागृत होगा? जब भगवत पाद पद्म को हम लोग आश्रय ले, अविस्मृति श्री कृष्ण पदारविंद। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म का अविस्मृति मतलब निरंतर स्मरण बना रहने पर हमारे जीवन के जितने भी अनर्थ अमंगल आदि हैं वो ध्वंस हो जाते हैं। अब जिस कृष्ण को हम लोगों ने साक्षात रूप से मिला ही नहीं, अधोक्षज है वो अतीन्द्रिय है, तो उनका स्मृति कैसे, उनका विस्मृति कैसे? जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं हुआ, जिसको कभी मिला ही नहीं, उसके साथ उसका स्मृति क्या, उनका विस्मृति क्या? वो बद्ध जीव को भगवान के साथ जोड़ने का जो साधन है वही गुरु वैष्णव है। ऐसा इसलिए बोलते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। जब हम तीनों का स्मरण करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर के जो विघ्न होते हैं, भक्ति विरोधी जो तत्व होते हैं, वो सब ध्वंस हो जाते हैं।
ऐसा। सिर्फ इतना ही नहीं, अनायासी पाए निज वांछित पूरा, आपके जो मनोभीष्ट वस्तु हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा, संघर्ष करना नहीं होगा। भगवत कृपा को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सहजता से प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे वही कृपा को संबल बना के चलने के कारण 5-5 साल के छोटे से आयु वाले ध्रुव और प्रहलाद भगवान की कृपा को किस प्रकार से लाभ किया, जबकि हजारों साल तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यपु जैसे उस चीज को प्राप्त कर ही नहीं पाए। ऐसा इसीलिए हमारा परम सौभाग्य, और अक्सर गुरुवर्ग लोग इस बात को बतलाते हैं कि हमेशा वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव आदि तिथियों में उनका स्मरण करना चाहिए। तिरोभाव में वो लोग अपने वैभव को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया हुआ होता है, जबकि वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव में कोई अंतर भी नहीं होता, दोनों एक ही वस्तु है उनके लिए। तो जो हो, आश्ल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिथि है, आप उनके बारे में सुनेंगे। मैं तो स्मरण करना चाहिए बोल करके थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा उनका गुरु निष्ठा देखने में है, इतना अद्भुत उनका गुरु निष्ठा है। पूज्य महाराज श्री का नाम था सज्जन सेवक दास ब्रह्मचारी, श्रील प्रभुपाद जी से हरिनाम प्राप्त हैं। छोटे से बच्चे जब मठ में आए थे, ज़्यादा बड़ा उम्र नहीं था, इसीलिए हरिनाम प्रभुपाद जी से हुआ उनका। और उसके बाद प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद वो शुरू से ही श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत में रहते थे। आए हैं उनके अनुगत में रखा कि आप इनका ध्यान रखना, तो महाराज श्री उनको बिल्कुल बच्चे की तरह लाड करके रखते थे, क्योंकि छोटे थे तो प्यार करते थे बहुत। अभी श्रील प्रभुपाद जी का लीला संवरण के बाद ऐसा परिस्थिति आया, क्योंकि श्रील भक्ति प्रज्ञा में केशव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के संरक्षण के लिए, उनकी सेवा के लिए एक अलग स्तर पे उन्होंने आचरण करके दिखाया। मतलब कोर्ट केस भी लड़ते थे, बहुत कुछ करते थे, मतलब एकदम बोल्ड होकर के बहुत सारी चीज़ें इस तरीका से करते थे। तो इसी परिस्थिति में उनको ले जा करके जेल में रख दिया, पुलिस अरेस्ट करके ले गया केशव गोस्वामी महाराज जी को और कुछ ब्रह्मचारियों को। अब जेल में खाएंगे क्या? कोई उनके लिए रसोई बना के खिलाने वाला भी इधर है नहीं। उस समय श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को जेल के वो जो बार्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उधर जो दरवाजा है वहां पर उन्होंने उनको मंत्र सुनाकर दीक्षा दिया। ऐसा गुरुनिष्ठा है कि गुरु जेल में बैठे हुए हैं और वहां से वो मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को लिया उन्होंने, क्योंकि दीक्षा लेना जरूरी था। अधीक्षित होने पर ठाकुर जी का उस तरह का जो सेवा है, रंदन आदि सेवा, विग्रह की सेवा, ये सब व्यवस्था था नहीं पहले, इसी कारण से दीक्षा होना जरूरी है। वो क्या करते, जेल में दीक्षा दे रहे हैं, वो वहां से मंत्र सुना, फिर मठ में आने के बाद श्रील भक्ति विचार जाजावर गोसाई महाराज जी ने यज्ञ किया और जो भी यज्ञ आदि संस्कार को पूरा किया, उसके बाद से वो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के लिए रसोई बनाकर, भक्तों के लिए बनाकर
जेल में ले जाके उनको दिया करते थे। ऐसा था, ऐसा बद्धजीव तो ऐसा होता है इस संसार का, जिसके प्रति अतिशय श्रद्धा करता है उसके बारे में भी अगर कोई भी बात सुनता है कुछ, तो मन के अंदर खोट लेके आ जाता है। अरे तुम इतने साल से इस व्यक्ति को नजदीक से देख रहे हो, वो सब एक तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बद्धजीव का वृत्ति ऐसा है। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि दूर में कोई था जिसके बारे में आपने सुना और उसके बाद जो है आपका कुछ हुआ। ये संसार का रीति इस प्रकार से है, साथ में रहते हुए भी कभी गलत कुछ सुनने पर होने पर वो उस व्यक्ति के प्रति अपना दिल को तोड़ के बैठ जाता है, विमुख हो जाता। लेकिन ऐसी गुरुनिष्ठा, देख रहे हैं कि उनके गुरुजी जेल में बैठे हैं, फिर भी कोई विचलित नहीं हो रहे हैं। उनसे मंत्र लेकर वो वहाँ पर जाके उनकी सेवा में लगे हुए, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व उनका है। ऐसा किस प्रकार से सेवा करते थे, सुना कि एक बार पब्लिकेशन का सेवा में व्यस्त थे और उनका उंगली भी कट गया था, हाथ कट गया मशीन के कुछ लग लुक के, खून निकलता जा रहा है और उनको होश भी नहीं है। वो उस सेवा में लगे हुए और वो दृश्य को देखकर सुनने में आया कि श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के आंखों में से आंसू आ गया था। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो है ऊपर से बहुत स्ट्रांग है, उनको जो है आचार्य केसरी बोलते हैं, सिंह की तरह आचार्य है ऐसा बोलते हैं। वो ऊपर से बहुत स्ट्रांग है, कोर्ट केस भी लड़ सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उतना ही नरम है। श्रील वामन गोसाई महाराज जी के हाथ में चोट आने पे वो रोने लग गए थे, इतना ये कितना प्रेम है, प्रेम होने के बाद भी दिल कितना नरम है कि वो बाहर भी निकल के आ गया। किसी संदर्भ में श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी मथुरा से निकल के गोवर्धन आ गए थे, कुछ ऐसा परिवेश बना था। महाराज श्री वहाँ से आकर आज जहाँ गिरधारी गौड़िया मठ है वहीं पर रह के साधन करने लगे थे। तब सुना कि हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं हमारे वृंदावन मठ के श्रील भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी, ये दोनों जब केशव गोस्वामी महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो महाराज श्री उन दोनों के सामने अश्रुपात करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग जाके मेरे गौर नारायण को वापस लेके आओ। ऐसा इतना मतलब शिष्य वात्सल्यता उनके अंदर जो है इस तरह के से देखने में आया। और भी हुए होंगे इससे, लेकिन इस तरह की उनका स्वभाव रहा। जो हो, वामन गोसाई महाराज जी के प्रति इतना ज्यादा स्नेह था उनका, इतना ज्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी दयनीयता की मूर्तिमान स्वरूप है। ऐसे ऐसे उनका स्वभाव है। जिस समय श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अप्रकट हुए थे, जिस समय वो अप्रकट हुए थे उस धर्म सभा के अंदर परम गुरु महाराज जी को विशेष रूप से वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और परम गुरु महाराज जी ने ही गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य के रूप में
श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी का अभिषेक किया था, स्थापना किया था। परम गुरु जी ने उस आसन पे उनको बिठाया था क्योंकि केशव गोसाई महाराज जी का वही इच्छा था। फिर जो श्रेष्ठ होते हैं वो लोग उनको जिस तरीके से करते हैं, पूरा समय विलाप करते रहे हैं, पूरा का पूरा समय, और इस भाव से कि मैं इस स्थान के लिए पूर्णता अयोग्य व्यक्ति हूं। वो तो परम गुरु महाराज जी और जितने भी बड़े बड़े गुरुवर्ग हैं वो लोगों के जोर देने पर गुरु सेवा के उद्देश्य से उसको स्वीकार किया। जैसे हमारे परम आराध्य गुरुदेव, वो तो चाहते ही नहीं थे, उनको तो जबरदस्ती करके जैसे उनको उस स्थान पर ला के रखा गया, ऐसे ही श्रील वामन गोसाई महाराज जी के साथ भी हमेशा घटित हुआ। यद्यपि वो समिति के आचार्य हैं लेकिन जब भी हरिनाम दीक्षा का बात आता है वो हमेशा श्रील नारायण गोसाई महाराज जी और वामन त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के पास जाते और उनको कहते कि मैं पाप कर्म में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ, आप लोग मुझ पर अपनी कृपा बना के रखना, ऐसा दयनीयता उनके अंदर था। हम जैसे बोलते हैं त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु अमान इन मान देन कीर्तनीय सदा है, ऐसा हम श्लोक पढ़ते हैं इस संसार का जीव और वो उस श्लोक पे जीते हैं, यही अंतर है। एक साधक जो है वो सिर्फ पढ़ता है, समझने का कोशिश करता है, और वो व्यक्तित्व इस प्रकार से है कि वो उस विचार के ऊपर अपना जीवन को चलाते, ऐसा ऐसे महान आचार्य इन लोगों को देखने से शिक्षाष्टक सामने दिखता है, उपदेशामृत सामने दिखाई देता। और खड़गपुर के अंदर सभा था तो उस सभा में पहले दिन श्रील भारती गोसाई महाराज जी को सभापति बनाया था, तीसरे दिन श्रील वामन गोसाई महाराज जी को बनाया। महाराज जी को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया था, यद्यपि वही सभापति हैं लेकिन ऐसी दयनीयता है, सभी वैष्णवों के बीच में हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि क्या आदेश है मेरे लिए, और उनसे सबने कहा कि आप ही सभापति हैं, आपके ऊपर कोई समय का पाबंदी नहीं, आप जितना इच्छा अरिकता आप बोल सकते हैं। सुनने में आता है कि स्वास्थ्य भी उतना अनुकूल नहीं था और खड़गपुर भी आए हैं चेन्नई से चलकर, यात्रा करके आए हैं सीधा, फिर विश्राम भी नहीं कुछ भी नहीं है, सीधा आके व्यासासन पे जाते हैं और सेवकों के बार बार अनुरोध करने के बाद भी काफ़ी अच्छे समय तक उन्होंने वहाँ पर हरिकथा श्रवण करा के उसके बाद ही उन्होंने विश्राम लिया है। ऐसा नहीं कि थक गए हैं चलो बीमार हैं, कुछ नहीं, हरिकथा के प्रति उस तरह का उनका आवेश और वैष्णवों के प्रति उनकी ऐसी दयनीयता बोलते हमेशा देखने को मिला है। आज उनका तिरुभाव तिथि है और तो और उनके अद्भुत उपदेश हैं, देखा जाए तो उनके अगर ग्रंथ पढ़ते हैं उनके उपदेश पढ़ते हैं बड़ा अद्भुत है। एक मैंने पढ़ा जो कई सारे पढ़े, एक मेरे दिल में ऐसे चिपक के रह गया, वो ये है, वो कहते हैं माई ओनली बिजनेस इज माई ओन भजन। बहुत सारी बातें उनके हैं ग्रंथ में, बड़ा अद्भुत है, लेकिन एक जो सब समय के लिए याद बैठ गया वो है माई ओनली बिजनेस इज माई ओन भजन। और ये जो व्यक्ति इस सिद्धांत को मान के चलता है वो जीवन में किसी भी परिस्थिति में चंचल नहीं हो सकता। अगर मेरा बिजनेस जो है मेरे भजन के अतिरिक्त कुछ और है, अन्याभिलाष है,
द्वितीय अभिनिवेश है, तो निश्चित रूप से समझना होगा कि मेरा अपना ही क्षति है। एक स्टेटमेंट से ऐसा मैसेज दे दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस स्टेटमेंट को अपना जीवन में धारण कर लेगा तो उसका साधन मार्ग से कभी भी पतन नहीं हो सकता। नहीं तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति, अलग अलग आचरण के व्यक्ति हैं इस संसार के अंदर। सभी का एक उद्देश्य नहीं होता कि हम सब भजन ही करने के लिए आए हैं। कोई भजन के लिए आता है, कोई सकाम भाव से आता है, कोई धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए आता है, कोई कनक कामिनी प्रतिष्ठा के लिए आता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य को लेकर के आते हैं, तो उस उद्देश्य पूर्ति के लिए जो उसके द्वारा किए जाने वाला आचरण को देखकर साधकों के बीच में जो है बहुत तरह की विश्रृंखला पैदा होने की संभावना है। उससे उठने के लिए एक मंत्र है कि अपना भजन से मतलब रखो, बस अगल बगल में जो हो रहा है जाने दो। ऐसे पर हम भी बहुत विचार किया, धर्म की स्थापना तो भगवान का काम है, धर्म संस्थापनार्थाय है। भगवान बोले संभवाम युगे युग, जीव का धर्म स्थापना कर सकता है, वो तो धर्म का सेवा कर सकता है। बस होना वही है जो भगवान इच्छा करते हैं, और भगवान ने अतिशय कृपा करके प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। बहुत लोगों ने धर्म विरुद्ध कई सारी चीजों को देखते हुए बहुत प्रयास किया है कि नहीं, धर्म की रक्षा होना चाहिए, सिद्धांत का मर्यादा मान रक्षा आदि होना चाहिए, लेकिन वही हुआ जो नियति ने निर्णय किया। तो इसीलिए आचार्य क्या बताते हैं, ये सब चीजों में ना पढ़कर तुम केवल अपने भजन पे फोकस करोगे तभी तुम्हारा जीवन सफल है। ऐसे महाराज श्री का एक ये वाला उपदेश है, बड़ा सुंदर उपदेश। आज उनका तिरुभाव तिथि है, और भी उनका उपदेश है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा था, बोलते कि देखो देखिए, हम तो तीन जनरेशन के जो भक्त है उनको देखा, प्रभुपाद जी को देख के जनरेशन के वैष्णवों को देखा, फिर अगला जनरेशन को भी देखा, और उसके अगला जनरेशन को भी देखा, क्योंकि वो प्रभुपाद जी से हरिनाम प्राप्त है। तो उस समय बच्चे तो थे, लेकिन इतना भी छोटा बच्चा नहीं है, सेवा तो करते ही थे। प्रेस के लिए कपड़ा पेपर का शॉर्टेज पड़ गया था, तो उनको भेजा गया था साइकिल दे के कि तुम जाके पेपर लेके आओ। वो पेपर का पैकिंग जो है इस तरीके से किया कि रास्ते में वो खुल गया, क्या करें अब। वो अपने धोती को खोलकर उसमें पेपर को अच्छी तरह से लपेट के साइकिल में पीछे में बांध दिया, और वो उसी वस्त्र में जो भी है उसी में वो साइकिल चला के प्रेस में पहुंचे थे। कितना समझदारी होगा, इतना भी छोटा बच्चा नहीं है। वो मायापुर से कृष्णनगर जाके पब्लिकेशन के लिए पेपर लेके आ रहे साइकिल में, कितना दूर है, 15 किलोमीटर दूर, और पेपर का इतना बड़ा रोल साइकिल में रख के लेकर के आ रहे थे। और तो और सेवा में ऐसी रुचि है कि उस समय जब देवानंद गौड़िया मठ में सब्जियां वगैरह चाहिए होता था, पहले ऐसा होता था, हमारा मायापुर मठ बहुत बड़ा मठ है, काफी एकड़ में है, उतना बड़ा मठ मायापुर में चैतन्य मठ के अलावा और किसी का भी नहीं है। अभी किसी किसी का हो गया, 40-50 साल पहले इतना बड़ा मठ हमारा ही था, इसलिए वहाँ पर फूल के बागान लगते थे,
सब्जियों के बागान लगते थे। श्रील गुरु महाराज जी से भी सुना, श्रील भारती गोसाई महाराज जी से भी सुना, जो जो मठों को सब्जियां पूजा के लिए फूल आदि चाहिए होता था, वो लोग आकर वहां से उसको चैन करके तोड़ करके लेके जाया करते थे। श्रील भारती महाराज जी से सुना, वामन गोस्वामी महाराज जी वहां से सब्जियां वगैरह बोरी में भर कर खुद कंधे पे डालकर मठ में लेके जाया करते थे। रिक्शा रुक्शा कुछ इस्तेमाल नहीं करते थे। आप देखो मायापुर में हमारा मठ कहाँ है, नवद्वीप में देवानंद गौड़िया मठ कहाँ है। महाराज जी से सुना, उस समय गुरुवर्गों में गुरु भाइयों में ऐसा प्रेम था कि स्वापरा भाव रखते नहीं थे, ये मेरा मठ है, ये हमारा सब्जी है, ये हमारा खेत है, ऐसा नहीं होता था। भगवान की सेवा के लिए जो चाहिए होता था वो ब्रह्मचारी लोग आके लेके जाया करते थे, लेकिन यहाँ श्रील वामन गोसाई महाराज जी स्वयं आकर बोरियों में भर के अपने कंधे पे लेकर वो जाया करते थे। बोलते ऐसी सेवा करते हुए उनका दर्शन किया करके महाराज श्री से सुना। और वही वामन गोसाई महाराज जी खड़गपुर के अंदर श्रील भारती महाराज जी से बतला रहे हैं कि देखिए हम तो 3 generations को देखा वैष्णवों को, और ये देखा प्रभुपाद जी के विचारों का किस प्रकार से जो है डाइल्यूशन होता आया, वो भी हम देखा। 3rd generation जो है ना, कोई छोटा मोटा जनरेशन नहीं है प्रभुपाद जी का, जिसमें जो है बड़े बड़े महान आचार्य रहे हैं, तब भी महाराज बोल रहे हैं कि लोगों के आचरण में, आचार्यों का स्तर हमेशा अलग ही होता है, लेकिन साधकों के आचरण में उन्होंने बोला हम काफी डाइल्यूशंस देखा। और एक निष्कर्ष पे पहुंचा, आपसे हम कह रहे हैं आप इसको एक परामर्श की तरह स्वीकार करें, क्योंकि हम तो किसी को शिक्षा देने लायक नहीं है। ऐसे बोलते हुए महाराज जी ने उनसे एक बात कहा, देखीबे सुनीबे बोलबे ना, ऐसा। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है देखते भी नहीं सुनते भी नहीं है, बोलते हैं बड़बड़ करके, वो गड़बड़ हो जाता है। और ये महापुरुष ऐसे कह रहे हैं कि देख भी रहे हो सुन भी रहे हो, बोलना नहीं है, चुपचाप रहना, उससे क्या होगा तुम हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहोगे, तुम्हारा जीवन पीसफुल चलेगा, ऐसा तुम्हारा अपना जीवन पीसफुल चलेगा, तुम किसी सिरदर्दी में नहीं रहोगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा महाराज श्री से बात सुना। वो बोलते थे जो दिख भी रहा है सुनाई भी दे रहा है कुछ भी हो रहा है, तुमने बोलना नहीं है, तुम्हारा सिर्फ अपना काम है अपना सेवा करना, ये उनका सिद्धांत था। उसी सिद्धांत के आधार पे वो अपने जीवन को व्यतीत किया। व्यास पूजा जब भी उनका होता था उससे 2 दिन पहले ही वो मठ से चले जाते थे, वो मठ में नहीं रुकते थे वो, और कहाँ जाते थे सेवक के अलावा किसी को पता नहीं होता था, बोलता ना सिर्फ सेवकों के साथ में जाते थे, सिर्फ सेवकों को पता होता था, कभी किसी को पता ही नहीं होता था कि कहाँ जाते थे। काफ़ी साल तक ऐसा ही रहा, क्योंकि वो अपने आप को कभी श्रेष्ठ या महान के रूप में दर्शन ही नहीं किया, हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में ही दर्शन किया। ऐसे दयनीयता और शुद्ध भक्ति के धन के धनी महान आचार्य हैं श्रील वामन गोसाई महाराज जी। आज उनका 17वां तिरुभाव तिथि है, शाम को आप लोग श्रवण करेंगे उनकी महिमा, लेकिन मुझे उनके बारे में कीर्तन करना था कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाग्य से उनका दर्शन और स्पर्श मुझको प्राप्त हुआ है एक बार विशेष रूप से, जब महाराज श्री चंडीगढ़ में आए थे, हमारे ऋषिकेश प्रभु के ना एक और परिवार है जिनके यहाँ रुके थे उस समय, वो लोग अभी राधा कुंड में रहते, सब छोड़ के वो लोग यहाँ आ गए।
विश्वंबर, जो भी विश्वंबर प्रभु, उनके यहाँ पर चंडीगढ़ में वो लोग रहते थे, तब महाराज श्री उनके घर में रुके थे और उस समय मैं उनका दर्शन करने के लिए गया था। बिल्कुल पतला था तब, मैं गुरुजी का दर्शन किया नहीं तब तक, और उसके पूर्व ही महाराज श्री का दर्शन हुआ था। और महाराज जी का दर्शन प्रसाद से मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे गुरुजी का प्राप्ति हुआ है, क्योंकि मुझे जो दोस्त लेके गया गुरु भाई, वो महाराज श्री से हरिनाम लेना चाहता था उस समय, तो महाराज जी ने उसको पत्र लिख के दिया कि तुम जो है चंचल मत हो, तुम्हारा गुरुदेव का दर्शन तुमको तुम्हारे ही स्थान में होगा। और उसको वही हुआ कि गुरुजी आए और उसको गुरुजी का वहाँ दर्शन हुआ और वो गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा आदि लिया। तो महाराज जी के प्रति उसका भी बहुत श्रद्धा है, वो मुझे लेके गया कि बहुत बड़े महापुरुष है, चलो चलते हैं। तब मैं महाराज जी का दर्शन करने के लिए गया था और महाराज जी के आगे हमेशा लिखा रहता है कि चरण छूना मना है। वो ट्रायंगल में है, तीन भाषा में होता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगला। जहाँ जाते हैं वहाँ उस ट्रायंगल को घुमा देते हैं ताकि सामने लोगों को दिखता है। हमको बचपन से ऐसा अभ्यास था कि जो भी महापुरुष मिलते हैं उनके चरणों में हाथ लगाने का या सिर रखने का, हमारे पिताजी ने सिखाया। मैं समझ नहीं पाया और मैं सीधा जाके चरण पकड़ लिया, उससे सेवक गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए तो मैं डर गया, क्योंकि मैं छोटा सा था, वो लोग एकदम तगड़े तगड़े से थे। तब महाराज जी ने देखा कि मैं डर गया, उन्होंने मुझे पास बुला के मेरे गाल में और मेरे कंधे पे ऐसे ऐसे करके उन्होंने हाथ फेरा था। वो स्पर्श काफ़ी साल हो गया, वो तो 99 की बात है, लेकिन उनका स्पर्श इतना उसका प्रभाव है कि वो स्पर्श के माध्यम से हृदय में बैठ गए हैं। उनका कोई ऐसा नहीं है कि मैं कई बार जा के संग किया, लेकिन उनके साथ एक संबंध बन गया उस स्पर्श के माध्यम से। और उन्होंने हमारे लिए वहाँ पर एक घंटा तक कथा सुनाया। वो अलग बात है, उम्र कम था और महाराज जी बंगाल के हैं इसीलिए दिमाग में ज़्यादा घुसा नहीं, लेकिन चुपचाप बैठ के उनको देखते रहे बस हम लोग। ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, उनका स्थिरोभाव तिथि है, वो हमारे गुरु जी से अभिन्न स्वरूप की तरह ही दिखलाई देते हैं, आचरण में, आदर्श में, विचार में, हर चीज में। इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, और जिससे कि हमारा गुरुपाद पद्म में निष्ठा हो, जीवन में दैन्यता आए और अपना जन्म सार्थक हो सके। पूज्य महाराज श्री देवानंद गौड़िया मठ मायापुर नवद्वीप में ही उनका मूल समाधि है, वहीं पे उनको समाधि दिया। और महाराज श्री के शिष्य लोगों का जब इच्छा हुआ था कि चंडीगढ़ में मठ किया जाए पंजाब में, और उनके शिष्य समृद्ध भी थे, कर सकते थे, जैसे ऋषि प्रभु जैसे लोग थे, कर सकते थे, एक कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते थे, इधर उधर थे, इंडियंस पंजाबी, वो लोग कर सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र ने एक ही बात बोला, यहाँ तो हमारा मठ है, फिर क्यों बनाना, वो तो हमारा ही तो मठ है। चैतन्य गौड़िया मठ 20B के मठ को शिलवामन गोसाई महाराज जी ने अपना गुरुस्थान अपने मठ की तरह ही दर्शन किया, और उसका यही प्रमाण है कि उन्होंने वहाँ मठ नहीं बनाने दिया। बोलता हमारा जब मठ अपना है ही है, इधर क्या जरूरत है, वहाँ जाओ सेवा करो। ऐसे महाराज जी ने अपने शिष्यों को प्रेरणा दिया। परम गुरु महाराज जी के साथ खूब यात्रा किया, उन्होंने खूब यात्रा किया परम गुरु महाराज जी के साथ, और कई प्रचारों में इधर उधर बहुत सेवा भी किया, ऐसा था उनका अद्भुत आचरण। जो हो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तृतीययाम कीर्तन Yeah.
पूर्वान लीला भजन निष्ठा भजन त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदीन कीर्तनीय सदाहर। जब ऐसे उत्तम भागवत वैष्णवों के आचरण को लेकर हम लोग साधन करते हैं तब हमारे जीवन में ये भाव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। उनका जीवन जो है महाप्रभु और उनके पार्षदों के उपदेश का मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी बोलते थे, फॉलो मी नॉट माई लेक्चर। तुम शब्द सुन के वाह वाह करके चले जाओगे, परम गुरु जी का वो सिद्धांत था ही नहीं। बोलते मेरा आचरण देखो, कितना अद्भुत व्यक्तित्व होंगे तब जा करके इतने बोल्डली बोल रहे हैं कि तुम मेरा आचरण देखो। क्यों? क्योंकि उनके आचरण में शिक्षाष्टक हैं। अब गुरु महाराज जी को देख लेते हैं, गुरु महाराज जी की कितनी दयनीयता है। कभी भी गुरु महाराज जी ने अपने आप को श्रेष्ठ बोल करके दिखलाया ही नहीं, जबकि विश्व के अंदर गौड़ी वैष्णव आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ पद पे विद्यमान थे। ऐसा आप देखो शिलापुरी गोसाई महाराज जी बोलते गौड़ीय गगन भास्कर है। भास्कर मतलब सूर्य है। कई आचार्यों के लिए उन्होंने बोला तारों की तरह है, इस गौड़ीय गगन में चमकती हुई तारों की तरह है। लेकिन गुरुदेव की बात जब आए गौड़ीय गगन भास्कर, जब सूर्य उदित तो हो गया तो सूर्य ही दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तारों का अस्तित्व नहीं है, उनका अपना वैशिष्ट्य है, लेकिन गुरुदेव की महिमा को इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और क्या बोले, त्रिनादपि सुनिचेन, श्लोक का मूर्तिमान विग्रह। ऐसा ऐसे गुरु जी का आचरण को देखेंगे, उनका आचरण को लेकर के अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे तो ये श्लोक का रियलाइजेशन हमारे लाइफ में आएगा। वामन गोस्वामी महाराज भी तो ऐसे त्रिनादपि सुनिचेन का मूर्तिमान स्वरूप है। तरोरपि सहिष्णु, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो है समस्याएं नहीं आया। वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी अपने जीवन के अंदर बहुत तरह की चीजों का सामना किया जो कि बोला भी नहीं जा सकता। लेकिन जैसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहकर उन्होंने अपने आदर्श चरित्र को सूर्य की तरह प्रकाशित किया। यहाँ पर यही बोल रहे हैं, अगर हम लोग इस श्लोक को समझना चाहते ऐसे महापुरुषों के चरणों में आश्रय लेना होगा। कितनी दयनीयता होगा, कितना वैष्णव निष्ठा है। कल जैसे हम सुन रहे थे शिलागिरी गोस्वामी महाराज जी अपने छोटे छोटे गुरु भाइयों के पत्तल में से भी उठा उठा करके प्रसाद खा रहे। ऐसा ये सब ये श्लोक के धनी है, मूर्ति है। उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधाम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष साम। वृक्ष ये न कटिले है किछु न बोलाए, सुखाइया मैले करे पानी न मांगाए। यही यही मांगाए तार देई अपन धन, धर्म वृष्टि सहे आनेर कराए रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराय अभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया यही कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। यही मत होया ही कृष्ण नाम लई, मतलब चार गुणों से गुणी होकर धनी होकर कृष्ण नाम जो व्यक्ति करता है। हरिनाम जीवन भर करने से पर्याप्त नहीं होगा, ये चार गुण अपने अंदर लाना होगा। अमाने न मान देन, ऐसा जो है स्वयं मान की आशा ना करते हुए और दूसरे को मान देते हुए क्या करना होगा, निरंतर कृष्ण कीर्तन करना होगा।
तब जा कर के मंगल होगा, अन्यथा मंगल नहीं होगा। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तो यदि मानस तोहार परम यतने ताहि लाभ अधिकार परम यतने ताहि त्रिनधि कहि न दीन अकिंचन क्षर त्रिनधि कहि अपने मन विसदा छाड़ी अहंकार अपने मन भी सदा वृक्ष समक्षमा गुण करवी साधना वृक्ष गुण करवी सा प्रतिहिंसा त्यजियन्ये करवि पालना प्रतिहिंसा जीवन निर्वाहे आने उद्वेगनादि वे पर उपकार निज सुख पासरीवे पर उपकार निज होइले वो सर्व गुणे गुणी महाशय होइले वो सर्व गुणे प्रतिष्ठा साछाड़ी कर अमानी हृदय प्रतिष्ठा छाड़ी कर कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करवि सम्मान सवे आदरे सर्वदा करवि सम्मान सवे दैन्य दया अन्ये मां प्रतिष्ठा वर्जन दैन्य दया ने मां चारी गुणे गुणी हाय कर कीर्तन चारी गुणे भकति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए भकति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए
है न अधिकार कबे दीवे आमाई, है न अधिकार कबे गोविंद लीलामृत पूर्वान्ने धेनु मित्रैर्विपिन मनुश्रुतां गोष्ठ लोकान् यातम् कृष्णं राधाप्ति लोलं तदिभिश्रुति कुत्कृते प्राप्त तत्कुण्डतीरं राधां चालोक्य कृष्णं कृतगृहगमना मार्यार् अर्यार्कार्चनायै दिष्टं कृष्णप्रवृत्त्यै प्रहित निज सखी वर्त्मनेत्रं स्मरामि धेनु सहचर संगे कृष्ण वने जाई रंगे गोष्ठ जन अनुव्रत हारी गोष्ठ जन राधा संग लोभे पुन राधा कुंड तटवन याई धेनु संगे परिहारी याई धेनु संगे परिहारी कृष्णेरा इंगित पाया राजा निज गृहे याया कृष्णेरा राधा निज जटिलाज्ञा लई सूर्यार्चने जटिलाज्ञा गुप्ते कृष्ण पथ लखी कत क्षणे आई से सखी गुप्ते कृष्ण व्याकुलित राधा स्मरी मने व्याकुलिता राधा स्मरी माने हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नम यादवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवद्गीता हरि गुरु जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल हे छाई गोसाई करी चरण वंदन हेते विघ्न नाश अभीष्ट पुरंदर हे छाई गोसाई जार मुइ तर दास तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास तासवार पद रेणु तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवा तांदेर चरण सेवी जनमे जनमे हाय अभिलाष जनमे इच्छाई गोसाई जावे ब्रज कैलवास ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करीलो प्रकाश राधा कृष्ण आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन आनंदे बोलो हरि श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन गुरु वैष्णव
श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद हरि नाम संकीर्तन कै नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि बहिर्नृसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलटङ्कनखलये, हिरण्यकशिपुर्वक्ष वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यशास्ते हृदय संवितं नृसिंहमहं भजे, यशास्ते श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, हे नरसिंहा प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा, प्रह्लादेश जय पद्म हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल।